ओम वासुदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो देवो नमो नमः। कार्तिक मास महात्माय कथा अध्याय सप्तमम। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों में को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष मांस, उरद, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकावन और दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं सुना चाहिए। पान तथा चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रज, सवाला, चांडाल, पापी, मलेश, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोही और नास्तिक, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रश्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, उस चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि शाकों में से किसी साग का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर अमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह हजार की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका अस फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पोत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इति श्री सप्तमो अध्याय समाप्तम। तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो,
शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल सी, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धन तुलसी पूरन तपकिनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप निवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी, सभी सखी मैया तेरो अस गावे, भक्ति दान जे दीजे महारानी, सभी सखी मैया तेरो अस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, परी की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।